वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की इंग्लिश, और बुक है हॉर्नबिल, और चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसकी हम इजी समरी देखने वाले हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो इंग्लिश से जुड़ा हुआ, आप आके मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर ये चैप्टर किस बारे में है, ठीक है, चैप्टर में क्या बताया गया है। तो खुशवंत सिंह वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंडियन राइटर्स, जो कि इस चैप्टर के ऑथर हैं, यानी कि जो राइटर हैं जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, उनका नाम है खुशवंत सिंह। तो वो काफी, मतलब आप कह सकते हो, अच्छे राइटर हैं, ठीक है, काफी प्रोमिनेंट इंडियन राइटर हैं। और इन द स्टोरी द ऑथर ड्रॉज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। इस स्टोरी के अंदर क्या है, जो ऑथर है यानी कि जो खुशवंत सिंह है, उन्होंने क्या किया है, एक पेन पोर्ट्रेट बनाया है अपनी दादी का, ठीक है, ग्रैंड मदर का। पेन पोर्ट्रेट क्या होता है, अपने ओन वर्ड्स में अगर हम कुछ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है, अपने इनफॉर्मल टाइप से अगर हम कुछ भी लिखते हैं किसी की याद में, तो इन्होंने अपनी दादी के बारे में लिखा है, ठीक है, जो बचपन से इनका कैसा रिलेशन था और बड़े हो गए थे तब कैसा रिलेशन था उनके साथ, अपनी दादी के साथ में, ठीक है, कैसी बॉन्डिंग थी। तो जब हम इनफॉर्मली अपने ओन वर्ड्स में अगर कुछ लिखते हैं तो वही पेन पोर्ट्रेट होता है, ठीक है, हिंदी में से हम शब्द चित्र कहते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि अपनी ग्रैंड मदर का पेन पोर्ट्रेट यहाँ पे हमें बताया है। He has beautifully written an account of his relationship with her grandmother. और इस चैप्टर के अंदर उन्होंने काफी सुंदर तरीके से अपनी रिलेशनशिप, जो कि उनकी ग्रैंड मदर के साथ उनका कैसा रिश्ता हुआ करता था, ठीक है, बचपन से लेके और मतलब लास्ट तक, जब तक उनकी ग्रैंड मदर का देहांत नहीं हो गया था तब तक उनके बीच में जो भी कहानी है वो सब उन्होंने इस चैप्टर में बता दी है। तो काफी अच्छा चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे पेन पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंड मदर। तो खुशवंत सिंह ड्रॉज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर, ये मैंने अभी आपको बताया है कि खुशवंत सिंह ने क्या बनाया है, एक पेन पोर्ट्रेट, यानी कि अपने ओन वर्ड्स में उन्होंने कुछ लिखा है अपनी ग्रैंड मदर के बारे में। और जो उनकी ग्रैंड मदर है वो ओल्ड वुमेन है, ठीक है, काफी ज्यादा, मतलब उनकी एज ज्यादा है। और इट्स हार्ड टू बिलीव दैट वंस शी हैड बीन यंग एंड प्रेटी, और मतलब ये बिलीव करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि किसी टाइम पे वो भी यंग और प्रेटी होती होंगी, क्योंकि वो काफी समय से वो बूढ़ी ही हैं, और इतनी ज्यादा बूढ़ी हैं कि उनको देख के लगता ही नहीं है कि कभी ये जवान भी रही होंगी। हिज ग्रैंड फादर्स पिक्चर हंग अबव द मेंटल पीस, जो उस ऑथर के दादा हैं, ठीक है, ग्रैंड फादर हैं, उनका फोटो टंगा हुआ है, ठीक है, मेंटल पीस के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, वो जो फोटो है जो कमरे में टंगा हुआ है, जो मतलब ऑथर के जो दादा हैं, ठीक है, जो ग्रैंड फादर हैं, वो उस फोटो के अंदर कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड लगते हैं, मतलब इतने ज्यादा वो बूढ़े लगते हैं उस फोटो के अंदर। तो ऑथर ने यहाँ पे लिखा है कि ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपियरेंस ऑफ ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर कैसी दिखती थी, आइए देखते हैं। ओल्ड, शॉर्ट, फैट, स्लाइटली बेंट, इसका मतलब क्या है, एक तो वो बूढ़ी थी, ओल्ड थी, शॉर्ट थी यानी कि हाइट उनकी थोड़ी सी कम थी, फैट थी, हल्की सी शरीर में वो भारी थी, और स्लाइटली बेंट, उनकी जो कमर थी, जो उनकी वेस्ट थी, वो थोड़ी सी मुड़ी हुई थी, ठीक है। आपको पता है कि बुढ़ापे में क्या होता है कि कमर जो है थोड़ी सी मुड़ जाती है इंसान की, और फिर हमें लकड़ी का सहारा लेके चलना पड़ता है, तो कुछ ऐसा ही उनके साथ भी था। रिंकल्ड फेस, उनके फेस पे झुर्रियां थी, शी लुक्स द सेम फॉर लास्ट 20 ईयर्स, और उनको देख के ऐसा लगता है कि वो लगभग 20 साल से पिछले ऐसे ही है उनका जो फेस है, ठीक है, बूढ़ा ही है। शी कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, वो एकदम सीधा होके वॉक नहीं कर सकती। और क्या है, शी वियर्स व्हाइट क्लोथ्स एंड रोम इन द हाउस, वो सफेद कपड़े पहनती हैं और पूरे घर के अंदर वो टहलती रहती हैं। शी कीप्स हर वन हैंड ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर सेल्फ, और जब वो चलती हैं तो उनका एक हाथ उनकी मतलब कमर पे रहता है ताकि वो अपना बैलेंस बना सके। मैंने आपको बताया था थोड़ा सा वो झुक के चलती हैं। और शी हेल्ड अ रोजरी इन द अदर हैंड, और वो अपने हाथों में एक माला रखती हैं, ठीक है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, इसको हम रोजरी कहते हैं। तो वो अपने हाथ में मनकों की एक माला रखती हैं, ठीक है। और क्या है, आइए देखते हैं। हर सिल्वर लॉक्स स्कैटर्ड ओवर हर पेल फेस, उनका जो चेहरा है वो काफी पीला सा दिखता है, और जो उनके सिल्वर बाल हैं, यानी कि जो चांदी जैसे जो उनके बाल हैं, आप कह सकते हो ना बुढ़ापे में बाल कैसे हो जाते हैं, सिल्वर से हो जाते हैं, वो उनके फेस पे बिखरे से रहते हैं और उनका फेस काफी पेल है। हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड, लेकिन उनके जो लिप्स हैं, जो उनके होठ हैं, वो हमेशा चलते रहते थे। और शी ऑलवेज प्रेड टू हर सेल्फ, और वो हमेशा प्रार्थना करती रहती थी। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज फ्रेंड्स। अब ये क्लोज फ्रेंड्स कौन थे,
आइए देखते हैं। नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड्स। जो नरेटर है, जो ऑथर है, जो राइटर है, तीनों एक ही मतलब है, ठीक है। खुशवंत सिंह जो है और उनकी जो दादी है, वो दोनों आपस में काफी अच्छे दोस्त थे। इस पेरेंट्स हैड लेफ्ट हिम विद हर इन द विलेज। जो खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने खुशवंत सिंह को उनकी दादी के साथ में गाँव में छोड़ दिया था बचपन में ही। शी यूज टू वेक हिम अप इन मॉर्निंग। और जो उसकी खुशवंत सिंह की दादी है, वो उसको मॉर्निंग में उठाया करती थी, ठीक है। और क्या है, शी गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल। और खुशवंत सिंह को स्कूल के लिए रेडी करती थी। शी यूज टू वॉश हिज वुडन स्लेट एंड प्लास्टर इट विद येलो चॉक। आप सबने बचपन में कभी ना कभी ये स्लेट पे काम जरूर किया होगा, है ना। तो इसी तरीके से स्लेट खुशवंत सिंह के पास भी होती थी जब वो छोटे थे। तो उसकी जो दादी थी, वो क्या करती थी, उसकी वुडन जो स्लेट है उसको साफ करती थी और उसपे प्लास्टर भी करती थी वो येलो चौक से, ठीक है। उसको मतलब वहां पे एक तरीके से एक उसको थप देती थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ वो काम करती थी। शी टेक एन अर्थन इंक पॉट एंड रेड पेन टाई देम इन द बंडल एंड हैंड इट टू हिम। और वो क्या करती थी, जो दवात होती है, जो इंक पॉट होती है, मिट्टी की इंक पॉट थी उनके पास में, उसमें वो क्या करती थी, उस सारे सामान को वो एक गठड़ी में बांध के, एक बंडल में बांध के पकड़ा देती थी, किसको, खुशवंत सिंह को। और इसके बाद खुशवंत सिंह रेडी हो जाते थे स्कूल के लिए। फिर क्या होता था, शी प्रिपेयर्ड हिज ब्रेकफास्ट। और वो उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाती थी जो खुशवंत के लिए, ठीक है। जैसे कि जो ब्रेकफास्ट होता था वो काफी मतलब कैसा होता था, थिक स्टेल चपाती, ठीक है। जो रोटी होती थी काफी मोटी होती थी और बासी रोटी होती थी, ठीक है। ध्यान रखना, स्टेल का मतलब होता है बासी। लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। और उस रोटी के ऊपर थोड़ा सा मक्खन और थोड़ी सी चीनी फैलाई हुई होती थी। शी ऑल्सो कैरी सम चपातीज फॉर विलेज डॉग्स। और जब वो ग्रैंड मदर जाती थी तो वो अपने साथ में कुछ रोटियां, कुछ चपातियां गांव के कुत्तों के लिए भी ले जाती थी और छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिलाया करती थी। अब उसके बाद क्या है, वेंट टू स्कूल विद द नरेटर, ठीक है। वो नरेटर के साथ में, यानी कि खुशवंत सिंह के साथ में स्कूल तक जाया करती थी। ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद हिम। हमेशा ग्रैंड मदर जो थी खुशवंत सिंह की, वो उसके साथ में ही जाया करती थी। बिकॉज स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। क्योंकि जो स्कूल था वो बिल्कुल अटैच था टेम्पल के। और आपको पता है वो काफी रिलीजियस टाइप की लेडी थी, ठीक है। और क्या है, देयर अ प्रीस्ट टॉट द चिल्ड्रन अल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर्स। वहां पर एक पादरी होता था, एक प्रीस्ट होता था, वो क्या करता था, बच्चों को अल्फाबेट सिखाते थे और वो मॉर्निंग की प्रेयर भी वही सिखाया करता था। फिर क्या होता है, ग्रैंड मदर सैट इनसाइड टेम्पल। जो ग्रैंड मदर है वो मंदिर के अंदर बैठा करती थी। स्पेंड हर टाइम रीडिंग होली बुक्स। जब तक खुशवंत सिंह का स्कूल होता था, वो अपना टाइम कहाँ बिताती थी, बुक्स को पढ़ने के अंदर, ठीक है। मंदिर के अंदर वो जाके बुक्स पढ़ती थी। बुक्स कैसी पढ़ती थी, होली बुक्स, जो पवित्र किताबें होती हैं, ठीक है। शी वुड वॉक बैक होम विद हिम। और वो फिर जो खुशवंत सिंह की जब छुट्टी हो जाती थी स्कूल से, तो वो उसको वापस घर पे लेकर आती थी, वापस आती थी उसके साथ। अब क्या है, टर्निंग पॉइंट इन रिलेशनशिप। अब यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है इनके रिलेशनशिप के बीच में, और वो क्या था, आइए देखते हैं। टर्निंग पॉइंट केम इन देयर रिलेशनशिप व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड बोथ टू द सिटी। जब उनके पेरेंट्स, किसके पेरेंट्स, खुशवंत सिंह के, खुशवंत सिंह के पेरेंट्स बुलाते हैं उसकी दादी को और खुशवंत को शहर के अंदर। अभी तक वो कहाँ थे, गांव के अंदर थे, क्योंकि खुशवंत के पेरेंट्स उसको छोड़ के गए थे बचपन में ही। अब क्या होता है, खुशवंत के पेरेंट्स उनको बुलाते हैं कहाँ पे, शहर में। नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर शेयर द सेम रूम। जब वो शहर में आ जाते हैं तो खुशवंत सिंह और उसकी दादी दोनों वो एक ही कमरे में रहते हैं शेयर करके। और क्या होता है, नाउ ग्रैंड मदर डोंट गो टू हिज स्कूल एंड शी डिड नॉट लाइक द इंग्लिश स्कूल। अब आपको पता है वो जो खुशवंत सिंह है अपनी दादी के साथ शहर में आ गया है, गांव का तो स्कूल अब है नहीं, शहरी स्कूल है। शहरी स्कूल में ज्यादा रिलीजियस बातें नहीं होती, वहां पे तो साइंस की, इंग्लिश की, म्यूजिक की, इन सब की बातें चलती हैं। तो ये सब ग्रैंड मदर को पसंद नहीं आता, ठीक है, शहर का माहौल। नॉर डिड शी लाइक साइंस एंड म्यूजिक बिंग टॉट एट द न्यू स्कूल। और उनको ये भी पसंद नहीं आता था कि जो खुशवंत सिंह को साइंस के बारे में पढ़ाया जाता था या म्यूजिक सिखाया जाता था, ये सब चीजों से ग्रैंड मदर को चिढ़ थी, ठीक है। उनको काफी रिलीजियस माहौल अच्छा लगता था। देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड। स्कूल के अंदर बिल्कुल भी भगवान वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया जाता था, इस बात से वो काफी अपसेट रहती थी। फिर क्या होता है, देयर वर नो स्ट्रीट डॉग्स, ठीक है। वहां पे कोई गली के कुत्ते भी नहीं थे जिनको वो जाके रोटी डाल सके। ग्रैंड मदर टुक टू फीडिंग द स्पैरोस। अब यहाँ पे क्या होता है, ग्रैंड मदर चिड़िया जो होती है, स्पैरो होती है, उसको खाना डालना शुरू कर देती थी, ठीक है। नाउ दे सो लेस ऑफ ईच अदर। अब वो बहुत कम एक दूसरे को देखते थे, खुशवंत सिंह और उसकी दादी, ज्यादा उनका मिलना होता नहीं था, ठीक है। अब क्या होता है, आगे देखते हैं, बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप ब्रोकन। अब इनका जो एक ये बॉन्ड था, जो प्यार था, ये रिलेशनशिप कैसे टूट गई, कैसे
कैसे इनके बीच में क्या हुआ आइए देखते हैं। देयर कॉमन लिंक ब्रोकन व्हेन द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी। जो थोड़ा बहुत जो उनके बीच में लगाव था वो भी अब टूट चुका था, क्योंकि नरेटर यानी कि खुशवंत सिंह को अपनी यूनिवर्सिटी में जाना था, ठीक है, हायर स्टडीज के लिए। ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली। ग्रैंड मदर ने कुछ नहीं कहा, कुछ शो नहीं किया, और वो आराम से अपने अकेलेपन को मतलब एक्सेप्ट करने लगी। शी यूज टू सेट ऑन हर व्हील चेयर एंड रिसाइट प्रेयर्स। वो सारा दिन क्या करती, अपनी व्हील चेयर में बैठती थी और वो मतलब प्रार्थना वगैरह ही वो करती रहती थी। उसके बाद क्या होता है, एट आफ्टरनून शी यूज टू फीड द स्पैरोस। दोपहर के टाइम पे वो चिड़िया को स्पैरोस को फीड करती थी, कुछ खाना खिला दिया करती थी। शी ब्रोक द ब्रेड इंटू लिटिल बिट्स एंड थ्रू देम टू द स्पैरोस। वो कैसे खिलाती थी, ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े कर देती थी और उसको फिर चिड़ियाओं को दे देती थी, वो खाती थी बैठ के। हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोस कलेक्टेड अराउंड हर। और लगभग 100 से भी ज्यादा चिड़िया आके दादी के चारों तरफ बैठ जाया करती थी, ठीक है, काफी ज्यादा प्यार हो गया था दादी से उन्हें भी। अब क्या होता है, नरेटर गोज अब्रॉड अब्रॉड, ठीक है, यहाँ पे जो खुशवंत सिंह है अब वो कहाँ जाता है, विदेश। और इसमें क्या होता है, नरेटर वेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। अब आपको पता है कि यार वो शहर आ गए थे, वैसे ही उनका मिलना जुलना कम होता था दादी से, और जो बचपन से इतने ज्यादा क्लोज रहे हैं, ठीक है, वो दोनों अब कितने अलग हो रहे थे यहाँ पे, और अब नरेटर को तो बिल्कुल घर ही छोड़ के जाना था, ठीक है। और ग्रैंड मदर केम टू ड्रॉप हिम एट रेलवे स्टेशन एंड किस्ड फोरहेड, ठीक है। अब ग्रैंड मदर क्या है, वो रेलवे स्टेशन तक आती हैं ड्रॉप करने उनको, ठीक है, खुशवंत सिंह को, और उनके माथे पे वो किस करती हैं प्यार से। नरेटर थिंक्स इट्स हिज लास्ट मीटिंग विद हर। नरेटर को ऐसा लगता है मन मन में कि यार ये हो सकता है मेरी आखिरी बार मीटिंग हो, क्योंकि एक तो उम्र भी ज्यादा है दादी की, ठीक है, और कोई भरोसा नहीं है कि कब अनहोनी हो जाए, तो वो ऐसे उनके दिमाग में विचार आ रहे होते हैं। फिर क्या होता है, नरेटर रिटर्न होम आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल बीत जाते हैं, ठीक है, साल दर साल गुजरते जाते हैं, गुजरते जाते हैं, 5 साल ऐसे बीत जाते हैं। फिर क्या होता है, नरेटर वापस घर आते हैं। फिर जो दादी माँ है वो क्या करती हैं, शी कलेक्टेड द नेबरहुड वुमेन एंड सेलिब्रेटेड हिज होम कमिंग। वो सभी गली मोहल्ले के पड़ोस की लेडीज को बुलाती हैं और सेलिब्रेट करती हैं कि आज मेरा पोता घर वापस आ रहा है, ठीक है, मेरा ग्रैंडसन वापस आ रहा है, और वो काफी खुश हो जाती हैं, बहुत थक जाती हैं उस दिन, वो प्रेयर तक भी नहीं करती, इतनी ज्यादा खुश होती हैं। फिर क्या होता है, द ग्रैंड मदर्स डेथ। अब यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। डेथ कैसे होती है ये देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शी फेल इल। अगले दिन वो काफी थकी हुई होती हैं, अगले दिन वो बीमार पड़ जाती हैं। शी डिक्लेयर दैट हर एंड वॉज नियर। और वो सबसे कहने लगती हैं कि मतलब या अब मेरा जो अंत है वो करीब है और मैं अब ज्यादा देर नहीं हूँ, ठीक है। शी कंटिन्यूड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, ठीक है, वो लगातार कुछ ना कुछ प्रे करती रहती हैं, अपने मन के अपनी माला को जपती रहती हैं। देन हर लिप्स स्टॉप मूविंग। और उसके बाद क्या होता है, उनके जो लिप्स हैं वो मूव करना बंद कर देते हैं। द रोजरी फेल डाउन एंड शी वाज डेड। जो उनके हाथ में माला थी वो हाथ से छूटकर गिर जाती है, क्योंकि हाथों में अब जान नहीं होती है, और जो दादी माँ है वो बिल्कुल उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है आगे देखते हैं। इवनिंग का टाइम होता है, सन वाज सेटिंग, शाम हो रही होती है, ठीक है, सूरज डूबने वाला होता है। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट नियर हर डेड बॉडी। कम से कम हजारों चिड़िया आके डेड बॉडी के पास में बैठ जाती हैं दादी माँ की, ग्रैंड मदर की। दे डिड नॉट शिरअप। और जितनी भी चिड़िया बैठी होती हैं वो बिल्कुल भी चहचहाती नहीं है, शांति से एकदम आके बैठती हैं, जैसे किसी की डेथ में कोई लोग जाते हैं। नरेटर्स मदर ब्रॉट सम ब्रेड एंड ब्रोक इट इनटू लिटिल पीस बट बर्ड्स टुक नो नोटिस। जो नरेटर हैं खुशवंत सिंह की जो मम्मी थी वो क्या करती हैं, थोड़ी सी ब्रेड लेके आते हैं, थोड़ी रोटी लेके आते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियाओं को डालती है, लेकिन चिड़िया बिल्कुल भी नोटिस नहीं करती। चिड़िया सैड थी और वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाती। फिर क्या होता है, व्हेन दे कैरीड हर डेड बॉडी आउटसाइड द स्पैरोज फ्लू अवे क्वाइटली। और जब लास्ट टाइम आता है, जब डेड बॉडी को उठाया जाता है और बाहर लेके जाया जाता है, तो चिड़ियाएं जो होती हैं वो भी शांति से उड़ जाती हैं। और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। आप कमेंट में जरूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है इंग्लिश की क्लास 11th की। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ, आप प्रैक्टिस करना। डिस्क्राइब हाउ कॉमन बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन वेन द नरेटर्स पेरेंट्स सेंट फॉर देम इन सिटी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई वाज द ऑथर्स ग्रैंड मदर अनहैप्पी विद द सिटी एजुकेशन। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं, मैं वहां पे चेक कर लूंगा। और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।